राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के नाथलवाड़ा से मंगलवार को जमवारा रामगढ़ रायसर में स्थित बांकी माता के स्थान के लिए पंचम ध्वज पदयात्रा ध्वजा पूजन के बाद रवाना हुई। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व पदयात्रियों ने गांव की डुंगरी पर स्थित भैरव बाबा के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया और यहाँ से पदयात्रा डीजे की धुनों के बीच विधिवत रवाना हुई, जो सकट कस्बे के चौथ माता रामेश्वर धाम, वीर हनुमान जी, सीताराम जी, बांके बिहारी जी, गणेश जी, जगदीश जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए बांकी माता मंदिर के लिए रवाना हुई। पदयात्रियों का सकट कस्बे में ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पदयात्रा में शामिल पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे, वहीं महिलाएं डीजे की धुनों के बीच नाचते गाते चल रही थी। पदयात्रा सकट नाथलवाड़ा से रवाना होकर सांवलिया धाम, कर्णावर, गुडा कटला, सैंथल आंधी होते हुए गुरुवार को रायसर स्थित बांकी माता के मंदिर पर पहुंचेगी। पदयात्रियों के द्वारा बांकी माता के मंदिर में विधिवत रूप से माता की सामूहिक पूजा अर्चना कर ध्वज चढ़ाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर राधेश्याम मीणा, मक्खनलाल मीणा, बाबूलाल मीणा, कमलेश मीणा, रघुवीर मीणा, रामफूल हलकारा, गंगाधर पटेल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।